क्या हो गया, चुप हो गई वो। ये अभी रोई जा रही है। अभी ना डैडी ने मम्मी को नाड़ा बांध रहे हैं। पैर ही ला रही है ना, पहले तो पैर नहीं ला दी थी ये। हेलो गाइस, कैसे आप लोग, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही सुबह सुबह से, तो नाश्ता पानी मेरा सब चीज बन चुका है और नीचे भी मेरा सारा काम हो चुका है। तो अब सबसे बड़ा काम है स्पाइकी को पकड़ना और उसको नहलाना। ये देखो, अरे पकड़ पकड़ पकड़, नहीं ऐसे नहीं बेटा। और आज जिया की छुट्टी है तो इसलिए जिया कितना खुश है। देखो जब स्कूल जाना होता है ना बच्चों ने, तब बिल्कुल नहीं उठते हैं, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन 6 बजे उठ जाएंगे। और वैसे इतनी मुश्किल से तैयार करके भेजना होता है ना, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है, पता ही नहीं लगता है। बापरे, हाँ मेरा बच्चा तो बहुत शरारती है। चल उस बच्चे को पकड़, अब स्पाइकी अब देखो नीचे जाके बैठ गया। और ढड़ू आराम से नीचे सो रखे हैं, हर्षी भी सो रखी है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से मैं इसको नहला देती हूँ। और मेरा सूट भी बन के आ चुका है, तो देखते हैं कैसा लगता है और उसकी फिटिंग विटिंग सही है कि नहीं है, नहीं तो मेरे को ढड़ू को दोबारा से भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे कपड़ों का इतना ढेर लग रखा है, इनको भी धोना है, तो इनको तो मशीन में डाल देती हूँ। मशीन में डाल के जल्दी से धुल जाते हैं। और अब पकड़ा इसको, तो देखो ना बड़ी मुश्किल से मैंने इसको नहला तो दिया। अब इसको खोलूंगी ना सीधा जाएगा मिट्टी पे, तो इसके लिए इसको आराम से पकड़ना पड़ेगा। इतना ज्यादा जोर लगाएगा ना, सांस फूल रहा है मेरा। वैसे तेरे को नहला नहीं लगे, मेरा सांस फूल गया पता है। चल अभी देख कितनी छोनी छोनी सी हो गई। चल आ जा, मैं तुझे ले आती हूँ। पहुंचेगी, रुक जा रुक जा। स्पाइकी सिट सिट। अगर मैंने इसको खोल दिया ऐसे भागेगी नहीं, ये कहीं मुझे ना गिराए। देखो अब स्पाइकी को देखो कितना ज्यादा दम लगा रही है अपने में, मम्मी खोल रही है। देखो अभी स्पाइकी रानी को। चल 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 पीछे चल पीछे चल, फिर वो गिरा देगी। कर साफ, साफ कर ले अब, यहाँ मिट्टी में नहीं, हाँ कंबल में साफ कर। चल 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 कर, यहाँ पे साफ कर बेटा। अरे मिट्टी में नहीं मेरी माँ। अच्छा यहाँ पे इसको चुब्रश है, इधर आ जा आ जा आ जा। मिट्टी में नहीं करना, हाँ मिट्टी में साफ नहीं करना। अरे गंदी हो जाएगी, बस 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 बस। जब तक ये अपने आप को पूरा पानी सुखा नहीं देगी ना, तब तक इसको चैन नहीं आएगा। अभी मैं पूजा करने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ, और मेरा सूट नया नया है ना, तो उसमें प्रेस हुई नहीं है। ढड़ू को बोलती हूँ थोड़ा मस्का लगाते प्रेस कर दो करके। ये रही प्रेस, कर देंगे ऐसे शायद, देखते हैं बाकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या ढूंढ रहे हो? कपड़े ढूंढ दिया गे? अच्छा वो कोई नहीं, मैं ढूंढ लूंगी, आप ये कर दो ना। मेरा सूट कल जल्दीबाजी में आ गया था ना, इसलिए प्रेस नहीं किया था ना। कर दोगे? मुझे तो लगा था बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर कर देता हूँ। सच्ची असली वाला कर देता हूँ, जला जुला मत देना। ए, तेरे काम है, मेरी नहीं है। चलो ठीक है कोई नहीं। और हमारी हर्षी अभी तक सोई है, गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। दोबारा सुलाया ना आपने? चलो क्योंकि मेरे को नहीं सुन दे रही थी। ये काम अच्छा कर लेते हो आप। चलो फिर जल्दी से कर लो, मैं जिया को नहला देती हूँ। और पूजा करने में बहुत ज्यादा लेट हो गया मुझे, फटाफट से मैं भी नहा लेती हूँ। 5 मिनट के अंदर प्रेस कर दो। देखो भाई शादी के बाद ये सब भी करना पड़ता है, तो इसलिए पहले से ही आप लोग प्रेस करना सीख लो। मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है अपने कपड़ों में प्रेस करना सीखो, ताकि आप लोगों को बाद में बुरा ना लगे कि मैं प्रेस मतलब मेरे को प्रेस करने के लिए बोल दिया। आपको ये लगेगा कि हाँ यार अपने तो कपड़े करता ही था, तो उसके भी कर देता हूँ, क्या ये दिक्कत है। तो इसलिए पहले से ही तैयारी करो, ठीक है? बाकी मैं प्रेस बहुत अच्छी करता हूँ। तो मम्मी ने मुझे नहला दिया, पर मैंने स्पाइकी को नहलाया ना, तो मेरे बाल से ये स्पाइकी की गंदगी छूटी भी नहीं रही है। तो दोस्तों बताओ आप कैसे छुटाओ इसको। तो गाइस अभी ना डैडी ने मम्मी को नाड़ा बांध रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं। नाड़ा नहीं होता, डोरी होती है। अच्छा ये दिखा, दिखा 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 दिख
ये वाला होता है नाड़ा। ये नाड़ा नहीं होता बेटा, डोरी होती है। नाड़ा होता है किसने बताया तेरे को? नाड़ा होता है, डोरी होती है ये। नाड़ा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यार प्रेस तो मस्त किया अपनी, पहले प्रेस करते थे क्या? हाँ पहले यही काम था मेरा। सूट सूट में कैसी लगती हूँ? छोटी मोटी लगती हूँ ना? नहीं अच्छी लगती है। अच्छी लगती हूँ। आज ग्रे कलर है। सच्चे मन से अगर व्रत रखो और मनोकामना पूरी होती है, बोलते जो भी मन में है, हमारी इच्छा है ना जो, तो वो माँ पूरी करती है। तो बस मैं कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ। जय माता दी और माता रानी सब पे कृपा करें। बस चाहती पूजा करने। अच्छा, ग्रे कलर, ग्रे कलर इसीलिए? हाँ इसीलिए, माता का फेवरेट है ये। हाँ तो मैं तभी तो नौ कलर बनवाए मैंने। नौ सूट बनवाए, वो भी नए नए सूट, देख रहे हो? नौ सूट बिल्कुल न्यू ब्रांड। हाँ, और सुच्चे कपड़े पहनने होते हैं ना। हाँ। जैसे कपड़े जो भी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही है। आप रखना हर्षी का ध्यान और जिया का ध्यान और मामी के बच्चों का ध्यान और पड़ोसी के और भी हैं, वो दे दे, ला दे। पड़ोसी के बच्चे भी ला दे। बच्चों को बाद में लाती, मम्मी को पहले ला देती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, है ना? यार जो खुद के बच्चों की मम्मी है उसके लिए टाइम नहीं है। क्या टाइम नहीं है, खुद तो भाग रही है। मैं भाग रही हूँ। जा रही है तू? आपके उससे भाग रही हूँ। आप क्या कह रहे हो? मेरे को टाइम नहीं है। और वैसे हमारे ब्लॉग इतने ज्यादा लेट आ रहे हैं तो इनका पारा हाई हो रहा है कि जल्दी जल्दी मैंने अपलोड करने करके। इसीलिए होता है लेट, क्योंकि तू मेरे को कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। ओ ऐसा नहीं है, ठीक है? झूठ मत बोलो, ऐसा नहीं है गाइस, खाली झूठ बोल रहे हैं। अब क्या करें, घर पे कोई है भी नहीं, तो अभी मैं मामी के साथ जाती हूँ, थोड़ा सा यहाँ से सामान लेके आती हूँ। और हर्षी के कपड़े इतने छोटे हो गए ना, आपने देखे होंगे हमारे दो तीन ब्लॉग ऐसे हो गए कि हम हर्षी के कपड़े लेने जा रहे हैं पर लाए नहीं पा रहे। हाँ ये है ना कि घर पे टाइम पे आना होता है रात को, इसलिए कहीं जाते हुए तो बिल्कुल टाइम से आना पड़ता है। पूरे घर में फिर सब कुछ देखना है, सामान सूट देखना है। सामान तो क्या, घर के बंदे और बच्चों को साथ में लेके जाना है, पूरा घर पे ताला लगाना है और सुबह शाम धूप लगाना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, आप वीडियो अपलोड करो, मैं मामी को लेके जाती हूँ, पास में है, पैदल जाएंगे हम लोग। और भैया पास वाली दुकान से देखती हूँ कपड़े मिल गए तो अर्षी के दो तीन जोड़ी लेके आऊंगी और थोड़ा अपनी आईब्रो भी बना लूँ। कितना टाइम हो गया मेरे ख्याल से, कब दो तीन महीने पहले बनाई थी, उसके बाद मैंने आईब्रो ही नहीं बनाई, अब तो ये भी थोड़ा बना के आऊँ, ठीक है? फिर और ज्यादा सुंदर लगूंगी। जो मैंने बोला ध्यान रखना। क्या बोला? पड़ोसियों के बच्चे और रहा नहीं जाता। मैं जा रही हूँ, पड़ोसों के बच्चों बुलाओ, उनकी मम्मी बुलाओ, उनके रिश्तेदारों को बुलाओ, जो मर्जी करो, बस पर मेरे घर आने से पहले खाली हो जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात की, मैं टाइम बताने का बारी करके नहीं, छापा मारूंगी ना, और कुछ मिल गया तो मिस कर। क्या आलू ले प्याज ले? तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और इतनी तेज धूप हो रही है ना बाहर, बाप रे, ऐसा लग रहा है ना कि गर्मी जो आने वाली है ना एकदम, तब तो पसीने छूटने वाले हैं हमारे। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल, वैसे कभी कभी पैदल जाना भी चाहिए, पैदल जाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो यहाँ पे मेरा दोनों काम हो गया, मेरी थ्रेडिंग भी हो गई और कपड़े भी ले लिए हर्षी के इन दीदी की वजह से और इनका बेबी भी अभी छोटा है ना तो संभालना मुश्किल हो रहा है। वो तो चलो अच्छा हुआ कि जब काम कर रहे थे तब रोया नहीं, वरना बच्चे ना जब भी काम करते ना वैसे रोने लग जाते हैं। तो हमारा काम भी हो गया और चलो ये भी चुप हो गया। चलो अब जाती हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू। तो अभी देखते हैं घर में बच्चों ने क्या हाल कर रखा है, और कहीं बच्चों को सबको सुला के सो तो नहीं गए? वह गेट भी खुला है डाडू, कहाँ लो? हे भगवान, ये क्या कर रखा है, इतना खिला रहा? ये लो तुम्हारे लिए चिज्जी। हे भगवान, ये खिलौने सब 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 समेटो, यहाँ इतना खिलौने जा रखा है। डैडी कहाँ तेरे? बच्चों ने अंदर खिलौने फैला रखे, कपड़े फैला रखे, बाप रे। आप यहीं पे बैठ रहे हो तब से? क्या बच्चों ने अंदर कितना खिलौना मचाया है? बच्चे खेलेंगे यार, वो तो उनको मैं क्या करूं। और हर्षी को गौतम भैया, ये बूट सही थी ऊपर बैठ रखे। हर्षी को आप देख रहे हो, उठ गई? ओ मेरा अच्छा, उच्ची उच्ची हो गया बाबा। मम्मा आपके लिए इतनी सारी सारी कपड़े लाई है, कपड़े वो ये देखो, पजामे इतनी छोटी छोटी हो गई ले मैं बच्ची की। तो एक आज है नेक्स्ट डे और जिया भी स्कूल से आ गए हैं और आज हमें जाना है हर्षी को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना है। आज को टीका लगेगा, तीसरे महीने का टीका लगेगा, तो वो अपने डैडी के साथ तो ये देखो अपने डैडी के साथ गाड़ी में बैठे दोनों बच्ची।
आराम से आराम से, बस मम्मा आ गई तो मम्मा जल्दी आ गई आगे आगे। तो हर्षी की भी वैक्सीनेशन हो गई है और अभी हर्षी रो रो के इसका बुरा हाल हो गया था और इसके साथ है ना जिया भी रोने लग गई थी। अभी चुप हुई है, अभी आराम से आसमान देख रही है और नहीं 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 रोएगी, अरे समझदार है बच्ची है। क्या हो गया, चुप हो गई वो, अभी रोई जा रही है, क्यों रो रही है, चुप हो गई। उसको अपना याद आ रहा है, उसको अपना याद आ रहा है कि मुझे टीका लगता है तो मुझे इतना दर्द होता है तो मेरी बहन को भी इतना दर्द होगा। चल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहन तो चुप है ना, नहीं। हाँ बहन एकदम मजे ले रही है, ये इसको गाड़ी में मजा आता है, ये देखो ये बोला तो देखती है। देखो देख चुप है वो, अब जब टीका लगता है तब तो रोते ही है। हाँ तो चलो लस्सी पी लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर को। दवाई भी तो लेनी है मेरी। अरे वो तो हम भूल ही गए कि जिया की भी दवाई लेनी है। कफ हो रखा है आजकल बड़ा चल रहा है, मतलब खांसी जुकाम सर्दी जुकाम, मौसम चेंज हो रहा है, वैसे हो ही जा रहा है। जिया को लस्सी भी पिलानी है। हाँ लस्सी थोड़ी पियेंगी है बेटा, ना बच्चा जुकाम हो रहा है, बच्चे लस्सी नहीं पीते, इसके लिए बिस्किट ला देना। ओके शायद कहीं पे आग लग गई है। आग लगी है, दो दो जा रही है ना, दो आगे है, तीसरी है। तीसरी है हाँ। यार कहाँ लग गई आग, पता नहीं कहाँ पे आग लगी, और हमें जाना भी उसी रास्ते है। चलो चार आगे और है, एक दो तीन चार पाँच, शायद कहीं जा रही है ये, मतलब आग वाग भी लगी है, ऐसी तो नहीं जा रही थी। अगर जा रही है तो इनको रास्ता देना चाहिए ना, कि रुके क्यों है ये, इधर लगी आग। पीछे लगी है ना, मोमोज वाले की रेडी में लगी है शायद, धुआं निकल रहा है। तो गाइस हम लोग मार्केट से आ गए हैं और हर्षी बेबी सोई हुई है, तो अब मैं फटाफट से जाती हूँ, नहा धो लेती हूँ और उसके बाद पूजा करके खाना बना लेती हूँ। और हाँ काफी कमेंट आ रहे थे कि आप लोगों को इसमें व्रत में ऐसे खाना कौन खाता है, तो हमारे उसमें ऐसा ही होता है, जो हमारा पहाड़ी कल्चर है ना, तो उसमें हम एक टाइम अन्न चखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, मतलब लहसुन प्याज नहीं खा सकते और बाकी सारा कुछ खाते हैं। रात के टाइम खाना बनाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी होता है, सिर्फ लहसुन प्याज को छोड़ के। और जो नौ दुर्गे की कथा है ना, तो उसमें भी ये दिया गया है कि एक टाइम पे हम लोग अन्न खा सकते हैं, तो बस जैसे सूरज ढलता है तो वैसे पूजा करके उसके बाद व्रत खोलना होता है हमें। और पूरा दिन हमारे उसमें कुछ भी नहीं खा सकते, जैसे काफी लोगों के उसमें होता है सेंधा नमक व्रत वाला खाना, जो ऐसा होता है ना पापड़ लड्डू वगैरह ये सब होते हैं, तो हमारे उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब नहीं खाना होता है। तो हमारे उसमें सिर्फ फ्रूट्स और दूध से बनी चीजें जैसे दही लस्सी और चाय वगैरह ये सब खा सकते, मतलब पी सकते हैं, और बाकी कुछ नहीं खाना होता। तो बाकी सबके अपने अपने रिवाज है, अपने अपने नियम है, तो सब अपने नियम के अनुसार ही चलते हैं, तो हमारे इसमें ऐसा ही होता है। तो जो पहाड़ी लोग हैं उनको पता भी होगा, अगर जिनको ये सब पता है तो वो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ हमारे इसमें भी ऐसा ही होता है। तो बस अब टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो 7 बज गया, तो जल्दी से जाती हूँ मैं नहा धो के, पूजा करके खाना बना लेती हूँ। रात के बज रहे हैं 12:30 और अलार्म चालू हो रखा है यहाँ पे। अलार्म चालू नहीं होगा तो क्या होगा, पैर ही ला रही है ना, पहले तो पैर नहीं ला दी थी। एक तो इस बार इसको टीके में तीन लगे हैं, तीनों लगे, दोनों जांग पे लगे हैं टीके, तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को टीके लगते हैं ना दर्द होता है, कैसे दिल देगा हमें, एक लगता है कैसा हाल होता है हमारा, और इतने छोटे बच्चे को लगे, और इसको पैरासीटामोल डॉक्टर ने बोला है खिला देना इसको, कि 10 या 12 ड्रॉप्स 15 ड्रॉप्स देने हैं तो इसको बुखार नहीं आएगा, और बाकी मुझे लगता है आज सोने वाली है, नहीं सोएगी मुझे लग रहा है आज। तो आज की हमारी रात ऐसे ही जाने वाली है, मतलब बारी बारी से उसको हर्षी को पकड़ने वाले, पहले मैं पकड़ रही थी, अब थोड़ी थक गई तो अब ये देखो, अरे उसको सुलाते सुलाते खुद ही मत सो जाओ, गिरोगे आप, तो जो गिरते हो मेरी बेटी को मत गिराना। हाँ, मेरी तो बेटी नहीं है। बस तो आँख बंद मत करो भाई, आँख खोल के चलो यार, मैंने पकड़ा होता है ना, प्रिय गिर जाएगी, प्रिय हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा, और मैं कुछ बोलूँ ना हाँ मेरी तो बेटी नहीं है, तो क्या क्या रिएक्ट होता है आपका, यही होता है ना, तो मुझे भी फिक्र है। अब आपको नींद आ रही, सो जाओ, मैं पकड़ लेती हूँ। गुड नाइट गाइस, हमारा ही चलता रहेगा। हाँ
मेरे पास में सुलाओ, एक बार नीचे सुलाओ, अगर नीचे सोगे तो सही है। नीचे सोएगी नहीं, सुला के तो देखो जब सो गए। हे भगवान, आराम से सुलाना। आजा कौआ, आजा कौआ, आजा कौआ, दूध ले जा, हर्षी का दूध ले जा कौआ। कौआ बोरा गया, आ जा नीनू, नीनू आ जा। चलो सो जाओ, वैसे बहुत हेल्प करते हो आप मेरी, थैंक यू, गुड नाइट। और आप लोगों को भी गाइज गुड नाइट, बाय, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।